हिमाचल प्रदेश के मशहूर पर्यटन स्थल अटल टनल में सुबह से लगातार बर्फबारी हो रही है। अटल टनल पर गुरुवार को भी बर्फ के फाहे के रूप में हल्की बर्फबारी हो रही थी। अटल टनल पर बर्फबारी से वादियां गुलजार हो चुकी है। इस बीच खतरे को देखते हुए प्रशासन की ओर से अटल टनल में आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। स्थानीय लोगों को 4x4 वाहनों के साथ ही टनल पार कर नॉर्थ पोर्टल होकर लाहौल घाटी जाने की अनुमति दी गई है। प्रदेश में 6 दिसंबर तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। बर्फबारी के बाद से ही राजधानी शिमला में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद से ही शीतलहर का प्रकोप अब लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये अटल रोहतांग टनल की तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से वादियां बर्फबारी से गुलजार है और ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। बर्फबारी के बाद लाहौल स्पीति और कुल्लू प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पूरे क्षेत्र में 6 दिसंबर तक बर्फबारी बारिश की आशंका जताई है और इसके बाद जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से ऊंचाई वाले इलाकों की तरफ ना जाने की अपील की है। आइए आपको सुनाते हैं डीसी कुल्लू ने लोगों से क्या अपील की। मौसम को लेकर मौसम विभाग द्वारा आगामी 2-3 दिन यानी 6 तारीख तक हिमपात और बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है और एट प्रेजेंट भी हम लोग अभी नोटिस कर ही रहे हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में रेन और स्नो सुबह से देखने को मिल रही है और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्योंकि रोहतांग और अगर हम रोहतांग टनल की बात करें तो साउथ पोर्टल में भी कंटिन्यूसली सुबह से स्नोइंग हो रही है। सो फिलहाल बियॉन्ड सोलंग जो है वो टूरिस्ट और कमर्शियल ट्रैफिक को अभी रोका गया है और बहुत ही लिमिटेड ट्रैफिक यानी जो लाहौल के रहने वाले लोग हैं और जो 4x4 व्हीकल्स के साथ जा रहे हैं केवल उन्हीं को अलाउ किया जा रहा है सो दैट किसी भी तरह का कोई इंसिडेंट होने से रोका जा सके और कोई भी ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन वहाँ पर ना बने। इसके साथ ही जलोड़ी में भी स्नोफॉल हो रही है तो वहाँ पे भी लिमिटेड ट्रैफिक विद 4x4 ड्राइव उन्हीं व्हीकल्स को हम अलाउ कर रहे हैं और हमारे विभिन्न विभाग चाहे वो PWD हो या BRO की टीम हो वो मशीनरी और मैनपावर के साथ रेडी हैं एंड जैसे ही सिचुएशन ठीक होगी तो रोड को क्लियर किया जाएगा और एज सून एज पॉसिबल हम ट्रैफिक को दोबारा बहाल करेंगे। सड़क को दोबारा बहाल करने के बाद डीसी की तरफ से कही गई। फिलहाल ग्राउंड पर इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। इस वक्त मौसम कैसा है अपडेट आपको देंगे। शिमला से विकास शर्मा और कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का रुख करते हैं। विकास, शिमला में आज मौसम कैसा है, क्या कल की तरह ही मौसम बना हुआ या फिर कुछ बदलाव? बिल्कुल, देखिए राजधानी शिमला में वैसे तो बीते 48 घंटों से ही लगातार बादल जो है वो छाए हुए थे लेकिन आज मौसम के बदले मिजाज हैं। आज हल्की बारिश जो है वो यहाँ पर सुबह से ही रुक रुक कर हो रही है। अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी भी रुक रुक कर बारिश जो है उसका दौर जारी है। अभी भी हल्की बारिश जो है वो यहाँ पर दर्ज की जा रही है लेकिन तापमान में भारी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। 2 से 3 डिग्री तापमान जो है वो एक बार फिर से गिर चुके हैं। जो तापमान बीते कल हमने 7 से 8 डिग्री आपको बताया था आज वो 5 से 6 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और आने वाले दिनों में भी अब मौसम विभाग का ये कहना है कि अब मौसम इसी तरह का बना रहेगा और एक पश्चिमी विक्षोभ जो है और सक्रिय हो रहा है जिसका असर 4 तारीख से हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा यानी कि 4 की शाम से ये मौसम खराब होगा और 5 तारीख की शाम तक मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि 4 और 5 तारीख को ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात होने का संभावना जो है वो बनी हुई है और उसके साथ साथ जो मध्यवर्ती इलाके हैं या निचले इलाके हैं यहाँ पर बारिश होगी। बारिश और बर्फबारी के बाद तापमान जो है उसमें और गिरावट जो है वो यहाँ पर दर्ज की जाएगी। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। आप ये मेरे पीछे पहाड़ी देखें, ये तारा देवी की पहाड़ी है और जिस तरह से काले बादल जो है वो छाए हुए हैं लगता यही है कि अभी मौसम खुलने वाला नहीं है और अगले 24 घंटों तक इसी तरह का मौसम जो है फिलहाल बना रहेगा और उसके बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा
जिस तरह की पहले भी मैंने बताया उसका असर हिमाचल प्रदेश में लिए देखने के लिए मिलेगा और बारिश और बर्फबारी जो है उसका दौर यहाँ पर जारी रहेगा। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि ये जो बेमौसमी इस तरह से जो चीजें चल रही हैं इससे तापमान में तो गिरावट आएगी और अगर बर्फबारी जो है वो हिमाचल प्रदेश में अच्छी रिकॉर्ड होती है क्योंकि बीते 24 घंटों से रुक रुक कर बर्फबारी जो है वो लगातार जारी है और ऐसे में तापमान जो है उसमें भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, चाहे जनजातीय इलाकों की अगर बात करें या किसी और इलाकों की अगर बात करें तो तमाम ये इलाके हैं इनमें लगातार बर्फबारी जो है वो रुक रुक कर यहाँ पर हो रही है। ठीक है, बर्फबारी रुक रुक कर हो रही है। विकास आपके पास लौटेंगे क्योंकि कुल्लू से इस वक्त हमारे साथ मनमिंदर अरोड़ा भी जुड़े हुए हैं और मनमिंदर के बैकग्राउंड में अगर तस्वीरें देखें तो ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है। मनमिंदर, ऊंची चोटियों पर तो बर्फबारी हुई पर मैदानी इलाकों में कब तक बर्फबारी होने की आशंका जताई गई है और यहाँ पर स्थानीय लोगों का इसको लेकर क्या कहना और पर्यटक क्या बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं? देखिए, जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था उससे ठीक वैसे ही जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पे सुबह से हालांकि बीते शाम से ही बर्फबारी है जारी है। हालांकि मैं लाहौल स्पीति की अगर सबसे पहले बात करूं तो लाहौल स्पीति के अधिकांश जो इलाके हैं वहां पे बीती रात से जो बर्फबारी जारी है, अटल टनल के दोनों तरफ जो अच्छी खासी बर्फबारी हुई जिसको देखते हुए कुल्लू प्रशासन ने लाहौल की तरफ जाने वाले सभी वाहनों पर रोक लगाई है, खासकर की जो पर्यटक वाहन है उन पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद पर्यटक केवल जो है 4x4 वाहनों से ही लाहौल स्पीति जा पाएंगे। जिसके बाद बर्फबारी के बाद एक बात महिमा जो काफी जो पर्यटक है उन्होंने मनाली का रुख करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद अटल टनल के आसपास जो पर्यटकों की खासी भीड़ दिखाई दे रही है वही रोहतांग दर्रे में भी काफी बर्फबारी के बाद जो पर्यटक हैं वो अब मढ़ी तक जा पा रहे हैं। और इसके बाद अगर मैं कुल्लू जिला की बात करूं तो कुल्लू जिला के जो तमाम ऊंचाई वाले इलाके हैं यहाँ अच्छी खासी जो बर्फबारी हो रही है। हालांकि जो नीचे वाले इलाके हैं मनाली या फिर कुल्लू या दूसरे बंजार इलाके की बात करूं तो यहाँ सुबह से जो हल्की बारिश जो चली है, हालांकि अभी थोड़ी देर पहले अभी धूप जो खिल चुकी है। हालांकि जिस तरह से आगे मौसम विभाग ने यह भी बताया कि आगे 4 तारीख से अब फिर से एक बार फिर मौसम जो करवट लेगा, जिसके बाद जो निचले इलाके हैं यहाँ पे बारिश रहेगी और जो ऊपरी इलाके हैं वहां पे बर्फबारी होगी। जी महिमा जी मनमिंदर, और शिमला की अगर बात करें विकास शर्मा, तो जिस तरह से आपने बताया कि बारिश फिलहाल आज हुई और आगामी 2 से 3 दिनों तक भी बारिश होने की संभावना जताई गई है क्योंकि यहाँ पर मौसम वैज्ञानिक की तरफ से भी ये बात कही गई, आपने भी एक्सक्लूसिव बातचीत उनसे की। विकास निश्चित रूप से देखिए, मौसम विभाग ने जिस तरह से अनुमान जो है वो यहाँ पर लगाया, कहीं ना कहीं लोगों को संभल कर रहने के लिए भी, एहतियात बरतने के लिए भी यहाँ पर कहा जा रहा है। और इसके साथ साथ जो जनजातीय इलाके या ऊपरी इलाके हैं जिनमें अगर किन्नौर की बात करें या फिर बात करें अगर लाहौल स्पीति की, चंबा की बात करें, कुल्लू के कुछ एक इलाके जो हैं वो इसमें आते हैं, ये तमाम इलाकों में जब बर्फबारी हो जाती है तो अक्सर बिजली जो है वो गुल हो जाती है और बिजली गुल होने के बाद जो पानी के पीने के पानी की जो सप्लाई है वो भी ठप हो जाती है, ऐसी परियोजनाएं ठप हो जाती हैं जिसके बाद लगातार दिक्कतें जो हैं वो ग्रामीण इलाकों की बढ़ जाती हैं। ये तमाम इस तरह से अगर दिक्कतें बढ़ जाती हैं तो ऐसे में जिला प्रशासन पहले ही अलर्ट पर है, बैठकें जो है इस बाबत की गई हैं कि अगर बर्फबारी जो है वो होती है और बारिश अगर होती है और उसकी उसके चलते अगर कहीं इस तरह की दिक्कतें अगर सामने आती है तो कहीं ना कहीं पहले ही अलर्ट रहना पड़ता है और पहले ही अलर्ट रहने के आदेश जिला प्रशासन की तरफ से संबंधित विभागों को दे दिए गए हैं कि अगर बर्फबारी ज्यादा होती है तो पहले से ही व्यवस्थाओं को पूरा किया जाए। शुक्रिया विकास शर्मा और मनमिंदर अरोड़ा इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, फिलहाल बढ़ते